अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और मेरे चैनल पर जो आए पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो ये फेसबुक पर भी जाती है और इंस्टाग्राम पर भी जाती है, वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। और ये देखिए हमारी नहारे की प्रोसेस है। ये देखिए, इसमें बेसन है 2 चम्मच और ये मसाला है उसका, नहारी का। और ये देखिए प्याज टमाटर हैं और सारी चीज़ें हमें एक साथ ये रखनी है। और इसमें चिकन हमने बाउल में पानी डाल कर रखा है धोकर। और ये इसमें हमने नमक डाला क्योंकि ये अंदर हमारी बोटियों में अंदर तक चला जाए नमक। और उसे ये नहीं होता कि अंदर नमक नहीं जाए, तो थोड़ा सही रहता है इसमें। देखिए हमने मिक्स करके रखना है थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हमारा मसाला भुनेगा। और ये हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ हमने प्याज ली है इसके अंदर, जो हमने काट कर रखी हुई है। और फिर सारे मसाले हमें एक साथ रखे हैं। देखिए दिखाती हूँ आपका प्रोसेस। ये देखिए हमें प्याज भी डालनी है इसी में, टमाटर भी डालना है इसमें, मसाला भी डालना है इसमें, सारी चीज़ें इसी में डालनी है हमें। और फिर हमें अपने मसाले को गलाना है, मसाले इसे सारे स्पाइसेस भी जाएंगे सब साथ में, बस बेसन को छोड़ के सारी चीज़ें जानी है इसके अंदर ही। और फिर हम इस मसाले को, सारी चीज़ों को हम गलाते हैं, टमाटर प्याज को। इसमें नमक भी हंस पे जाएगा हर चीज़ ऐसे ही जा। नींबू का पानी था, ये 1 नींबू का रस था इसके अंदर, वो भी जम गया इसके अंदर। ये नमक है हंस पे जाएगा। और फिर हमें इसे गलाना है। और ये देखिए आधी कटोरी हमने ऑयल डाला है इसके अंदर। और फिर हमें पकाने के लिए रखना है इसको। ये रहा, हमने मिक्स कर दिया इसको, थोड़ा पानी डाला है हमने गलाने के लिए इसको, और जितना हमें ज़रूरत हो 1/2 गिलास डाल दो या 1 गिलास डाल दो, जितनी देर में ये हमारे सारे टमाटर प्याज गल जाएं। बिल्कुल इनको गलाना है हमें, जैसे कि इनकी हमें ग्रेवी चाहिए होगी। ये देखिए हमने रख दिया है इसको गलाने के लिए। फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। जब मेरे चैनल पहली बार आए, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाती है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा प्लीज़, जिससे कि एक हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया है इसके अंदर। अब चिकन को हमें थोड़ा भूनना है इसके अंदर और फिर हम गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर जो चाह आपको सीटी लगानी हो तो सीटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से और गल जाएगा। तो मैंने तो सीटी लगाई थी इसके अंदर, और फिर देख थोड़ी सी कमी भी रह गई तो फिर मैं तो मैंने खोल कर ही गला लिया था। और प्लीज़ आप बताइएगा मुझे कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं आप कमेंट में बताइएगा प्लीज़ कि कहाँ से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो। और बताइएगा आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी रेसिपी मैं बनाती हूँ इसीलिए कि हर किसी की समझ में जल्दी से आ जाए। और देखिए मैंने ढक्कन लगा कर गलाया था और काफ़ी हद तक गल चुका है। और ये मैंने अदरक डाली है क्योंकि अंदर भी इसका थोड़ा जायका जाए, अदरक कटी हुई का और धनिया खुशबू के लिए, फिर ऊपर से बाद में डालेंगे। ये मेरी 3 चीज़ें इसमें पड़ गई, थोड़ा इसको डाल करके खींचना है मुझे। और देखिए मैंने अभी इसमें मैदा बेसन जो 2 चम्मच था मैंने उसे थोड़ा हल्का सा भूना था, और भूनने के बाद इसमें डाल दिया है। और अब मुझे जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है इतना पानी डालकर थोड़ा सा पकाना है इसे 5 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं पकाना होगा क्योंकि बस इसमें थोड़ा पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए बस गलाना पानी को पकाना है इसके।
और फिर हमारी नहारी है तैयार। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं अभी आपको दुआओं में याद रखती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती और आँखों में रोशनी दे, और अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे जिस फील्ड में भी हो वो। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।